श्री कृष्ण जन्माष्टमी यानी भगवान कृष्ण के जन्म का त्योहार। उनके बाल गोपाल रूप की छवि भक्तों के मन में ऐसी बसी है कि भक्त अपना सब कुछ उन पर न्योछावर कर दें। लड्डू गोपाल के जन्मोत्सव की ये खुशी दुनिया के कोने कोने में फैले भक्त उसी उत्साह और उल्लास के साथ मनाते हैं। यही कृपा है रघुनाथ की कि ना सिर्फ मथुरा वृंदावन भारतवर्ष बल्कि वसुधैव कुटुंबकम पूरा विश्व एक परिवार है और उस परिवार के स्वामी है ठाकुर जी। दुनिया के जिस कोने में भी जन्माष्टमी मनाई जाए, कान्हा के भक्त कान्हा की नगरी के बनाए वस्त्र आभूषणों को ही प्रसाद रूपी समझते हैं और इसी की डिमांड करते हैं। यही वजह है कि मथुरा वृंदावन में पूरे साल लड्डू गोपाल के वस्त्र आभूषण और श्रृंगार का निर्माण किया जाता है, लेकिन ये काम जन्माष्टमी के समय बहुत बढ़ जाता है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं लड्डू गोपाल के खास वस्त्र और उनकी डिमांड कितनी और कैसी है। यहाँ हम कान्हा की नगरी में है वृंदावन में, जहाँ बाल गोपाल के रूप में ठाकुर का पूजन होता है और उसी तरीके से बच्चों की तरह से प्रसन्न करने की कोशिश वाकई भगवान की जाती है। हमारे साथ एक व्यक्ति है, भाई साहब आपका नाम क्या है और किस तरीके से यहाँ पर आप भगवान के वस्त्रों की शॉपिंग करने के? जी मेरा नाम गोपाल शर्मा है और मैं वृंदावन से हूँ। हमारे एक मिलने वाले ठाकुर जी के भक्त हैं जो दुबई में रहते हैं, मैं उन्होंने हमसे कहा कि हमको जन्माष्टमी का ठाकुर जी की पोशाक ड्रेस और मूर्ति चाहिए, तो मैं वही यहाँ पर लेने के लिए आया हूँ। तो यहाँ पे किस तरीके से होते हैं, क्योंकि उनके वस्त्र अलग अलग तरह से हैं। यहाँ पे हम बहुत प्यारी सी बांसुरी देख पा रहे हैं, अद्भुत है, अद्भुत है, और इसके साथ साथ जो पगड़ी है, साफा है, वो भी अलग अलग रंग का है। तो आपने पीताम्बर वस्त्र लिए हैं और वैसे भी पीताम्बर एक नाम भी था, अगर भगवान श्री कृष्ण की बात करें तो उन्होंने कहा था जो दुबई में आपके रिश्तेदार हैं कि मुझे पीताम्बरी वस्त्र चाहिए। जी उन्होंने कहा था कि जन्माष्टमी पर जो पीला वस्त्र होता है ठाकुर जी का, सबसे ज्यादा वही पहनाया जाता है। और जो ठाकुर जी का बताते हैं कि जो पीला वस्त्र पीत वस्त्र सबसे ज्यादा प्रिय भी ठाकुर जी को वही, तो इसलिए उन्होंने कहा कि ठाकुर जी का हमको पीली ड्रेस चाहिए, पीली पगड़ी और पीला ही हार। मथुरा वृंदावन में ऐसे कई फर्म हैं जो वैश्विक मांग के अनुसार ऐसे वस्त्रों का एक्सपोर्ट भी करते हैं। दुनिया के 40 से ज्यादा देशों में वृंदावन से बने वस्त्र आभूषण एक्सपोर्ट किए जाते हैं। एक्सपोर्ट करने वाले एक फर्म के मालिक से बात की हमारे संवाददाता ने। ठाकुर जी के वस्त्र अलग अलग रूप में है, अलग अलग श्रृंगार में है, और हमारे साथ वो व्यक्ति है जिनकी दुकान पे हम आए हैं। और दरअसल यहाँ पर ना सिर्फ भारत बल्कि अनेक देशों में ठाकुर जी के वस्त्र पहुँचाए जाते हैं। आज ठाकुर जी का ड्रेस जो है अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, स्पेन, जापान, हर जगह ही हम लोग ड्रेस ठाकुर जी का जन्माष्टमी पर भगवान लाला जन्म उत्सव मनाने के लिए धूमधाम से लोग मनाते हैं। और हमारे यहाँ से ठाकुर जी के अच्छे से अच्छे ड्रेस का मांग करते हैं, डिमांड करते हैं, उस ड्रेस को हम यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग करके उन लोगों को भेजते हैं। वस्त्र के रंगों की बात करें तो कान्हा के भक्त इन्हें हर रंग से सजाना चाहते हैं और उनकी ये इच्छा तभी पूरी हो सकती है जब हर दिन के लिहाज से वो अलग अलग रंग के वस्त्रों में प्रभु की पूजा करें। सोमवार के लिहाज से उनके रंगों को विश्लेषण कर सकते कि सोमवार को क्या होता है। सोमवार को पहनाई जाती है पीले रंग की, मंगलवार को लाल, बुधवार को हरा, बृहस्पतिवार को ऑरेंज, शुक्रवार को व्हाइट, शनिवार को रेड या ब्लैक, इस तरीके से पहना जाता है। न्यूज नेशन ने ऐसे व्यक्ति से बात की जो बीते 3 पीढ़ियों से हाथ से चलने वाली सिलाई मशीन के जरिए ठाकुर जी के वस्त्रों का निर्माण करते हैं, लेकिन अभी उन्हें इतनी फुर्सत कहाँ कि रुककर बात करें, सिलाई मशीन चलाते रहे और ये बात करते रहे। ये 3 पीढ़ियों से काम चल रहा है सर जी,
ठाकुर जी के नाम पर हमने तो अपना सर्वस्त्र नौछावर कर दिया है, ठाकुर जी के ऊपर ही ठाकुर जी का नाम लेना है और ठाकुर जी का काम करना है, मांग ज्यादा बढ़ जाती है। त्योहारों पे हरियाली तीज हुई, जन्माष्टमी हुई, आपके ये जो पर्व पड़ते हैं मावस पूनो, इन पर थोड़ा वो हो जाती है थोड़ी सी। मथुरा वृंदावन क्षेत्र में ऐसी कई बड़ी फैक्ट्री हैं जहां आभूषण कढ़ाई और बुनाई के साथ ठाकुर जी के कपड़ों को अंतिम स्वरूप दिया जाता है। वृंदावन में है और ठाकुर जी के वस्त्रों की सबसे बड़ी फैक्ट्री है दरअसल ये, और यहाँ पे अलग अलग तरह के आभूषण, अलग अलग रंग के वस्त्र, और वो वस्त्र जो हर एक रंग के लिहाज से महत्वपूर्ण रहते हैं, चाहे वो नीले वस्त्र हो, चाहे पीताम्बरी वस्त्र हो, चाहे आभूषण हो, जिसमें सोने से लेकर चांदी से लेकर मोती से लेकर हीरे तक का काम किया जाता है। ना सिर्फ भारत में बल्कि मेड इन इंडिया के तहत भारत से बाहर भी अलग अलग देशों में निर्यात किए जाते हैं। वैसे आपका क्या नाम है? मेरा नाम है रामकृष्ण। रामकृष्ण जी बताइए, कितने तरीके के वस्त्र यहाँ पे बनाते हैं, कितने घंटे काम करते हैं? वस्त्र तो सभी तरीके के बनते हैं, मंदिरों के भी, छोटे ठाकुर जी के भी, सब तरह का। मतलब चाहे ठाकुर जी चंद इंच के हो या कई फुट की प्रतिमा हो, सर चाहे 2 इंच के हो या फिर 5 फुट के, 10 फुट के, जो भी हो। तो अब तो काम बढ़ गया होगा जन्माष्टमी के अवसर पर? जन्माष्टमी का काम बढ़ गया है, वैसे तो हम 8 घंटे काम करते हैं, लेकिन इस टाइम पे 12, 14, 16 घंटे काम होता है। 16 से लेकर 18 घंटे की अथक मेहनत किसी प्रेरणा पर ही कर पाते हैं यहाँ के कारीगर, और उन्हें ये शक्ति मिलती है कान्हा की भक्ति से। वृंदावन से राहुल डबास के साथ टीम न्यूज़ नेशन।